अभी हम हैं सुपर रॉयल पैलेस, हज़ायत रॉयल पैलेस, जो कि पहले इनका घर हुआ करता था। अभी ये इसको बना दिए हैं फाइव स्टार होटल, पर वाकई में फाइव स्टार से कम नहीं है। गज़ब का होटल है, एंट्री वॉज सुपर, इतनी भीड़ है, मतलब इन्होंने केवल खुला हुआ है विजिटर्स के लिए, वो आएंगे और यहाँ पे फ़ोटो दे सकते हैं। लेकिन गाइस अमेजिंग बनाया है, अमेजिंग। यहाँ देखिए, यू कैन सी अ लॉट ऑफ फॉरनर्स, लेकिन मतलब सही में आलीशान, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए, सैल्यूट टू द प्रेसिडेंट, सैल्यूट टू द किंगडम, सैल्यूट टू द किंग। काम ही ऐसा वो कर रहे हैं कि हर बंदा उनको प्रेस करेगा। हम हैं अभी आबू धाबी में, और आबू धाबी में बहुत लोट्स ऑफ ग्रीनरी है, एकदम अलग है, जैसे दुबई है वैसा आबू धाबी नहीं है, पर बहुत ही सुंदर है हर जगह, रिचनेस की निशानी। लेकिन गज़ब का जगह है, गज़ब का। ये बंदा हम देख रहे हैं जिसकी हाइट है 7.5 feet, हमने बोला कि इसका वीडियो बनाने को बोलता नहीं, पर हम फिर भी बना लिए। हम हैं इंडियंस, गज़ब की हाइट है। बंदा चल नहीं पा रहा है क्योंकि ऑब्वियस है कि खली की भी सेम ही हाइट थी। अब हम आ गए हैं होटल के बाहर, नज़ारा बहुत ही गजब है, फोटोग्राफी ज़बरदस्त होती है यहाँ पे, बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, क्लीननेस एंड हाइजीनिक तो गजब है, कोई डाउट ही नहीं है। और ये रहा आउटसाइड व्यू, सामने है ग्रैंड हयात, बब अल कबर कसर होटल, नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और बिल्डिंगें यहाँ पे बहुत ऊँची ऊँची नहीं है, जस्ट लाइक दुबई, लेकिन हाँ आर्किटेक्चर वाइज आबू धाबी इज़ बेस्ट। ये रहा होटल का आउटसाइड व्यू, very beautiful.